ॐ श्री गणेशाय नमः। नमः शंशकृताय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्राविता अव्याविलावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्माशना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीम् अवीणा पुस्तक धारिणीम् अवैधां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि स्थिरभवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है अपने इस क्लास में। सभी लोगों क्लास में स्वागत है। एक बार कंफर्म करना ऑडियो क्लियर जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नारायण श्री हरि। तो सभी लोगों का स्वागत है। अभी कुछ सेटिंग कुछ इरर हो गया था जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हुई और उसको सेट करने में अभी भी कुछ भाग रहा है। फिलहाल अब बहुत कुछ सही हो गया है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई जिसकी वजह से लेट हुआ, उसके लिए क्षमा। और आगे देखते हैं, शायद अब सब कुछ सही रहे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ एक पेपर को सॉल्व करेंगे जो सीटेट पर आधारित जो क्वेश्चन पेपर होते हैं कुछ उस टाइप के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर लेंगे। और सबसे पहले हम आज पैसेज पे बात करेंगे। बहुत दिनों से जो है आप सभी लोग पैसेज नहीं कर रहे हैं या फिर पैसेज ज्यादातर इसमें नहीं किया जा रहा है, तो आज मैं जो है पैसेज पर पहले बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे सारी चीजों पर लेकर के चलूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे पैसेज पर। ठीक है, सीधे पैसेज की ओर हम लोग चलेंगे। तो यह रहा, और यहाँ पे देखो इस पे जब हम अभी पीडीएफ में कन्वर्ट किए थे इधर उधर हो गया, बट पूरा सब कुछ सही था, कैसे चेंज हो गया फिलहाल मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा हमारे साथ में। ये पद्य है, श्लोक है, श्लोक को पहले पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। ये श्लोक अभी इधर आगे पीछे हो गया सब कुछ, उसमें कुछ हमको लगता है कि सेट पे सेटअप में सही नहीं हो पाया है और कुछ है नहीं तो फिर हम सेट करते हैं तो एकदम सही सेट कर देते। तो विद्या अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 21 तक विकल्प मात्रोत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। कर रहे हैं कि नीचे दिए गए श्लोक को पढ़ कर करके उस पर आधारित जो प्रश्न संख्या 16 से 21 तक का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले आपके सामने जो पैसेज दिया गया है, पहले मैं पैसेज को पढ़ता हूँ, जो श्लोक दिया गया श्लोक को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या है ध्यान समझिएगा। विद्या ददाति विनयम् विद्या ददाति वित्तम् विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम् विद्या तनोति कीर्तिम् विद्या तनोति मानम् विद्या नरं समाजे कुरुते सदा प्रधानम् विद्या नरं समाजे कुरुते सदा प्रधानम् विद्या निहन्ति दोषम् विद्या निहन्ति भारम् दूरी करोति विद्या सकलं मनोविकारम् दूरी करोति विद्या सकलं मनोविकारम् विद्या न राजहार्या अविद्या न चोरहार्या विद्या कदापि लोके नहि बन्धु विभाज्या विद्या कदापि लोके नहि बन्धु विभाज्या विद्या गुणः प्रधानः
विद्याधनं प्रधानं देशे तथा विदेशे विद्यावलं प्रधानं देशे तथा विदेशे विद्यावलं प्रधानं देशे तथा विदेशे विद्यावलं प्रधानं। तो अब आप यहां से देखिएगा, विद्या ददात विनयम, विद्या विनय को देती है और विद्या ददात वित्तम, विद्या वित्त को भी प्रदान करती है अर्थात वित्त हमको उपलब्ध कराती है अर्थात धन देती है। विद्या सदा जनानाम, विद्या जो है वह सदैव ही जनानाम माने लोगों के विमलम माने प्रकाशित करती है, विमलम करोत माने प्रकाशित करती है चित्तम माने चित्त को। विद्या सदा लोगों के चित्त को प्रकाशित करती है। विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या तनोति मानम, विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम। विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या के बिना अगर हम देखें किसी कीर्ति किसी का यश नहीं है वह विद्या तनोति मानम। विद्या के बिना किसी का मान सम्मान कुछ भी नहीं है, कीर्ति नहीं है, कोई उसका वर्चस्व किसी को नहीं हो सकता है या उसका कह सकते हैं समाज में कोई स्तर नहीं हो सकता है ना। अभी आप लोग जब पटाखाई पढ़ेंगे उसे पता चलेगा कि हाँ विद्या का और भी वहां पर क्या मतलब, ज्ञान का क्या मतलब है, ज्ञान का वास्तव रूप में आप ज्ञान को किस किस रूपों में देखेंगे कि हाँ उसके उससे आपको क्या क्या लाभ मिल पाता है। विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम, विद्या जो है लोगों को सदैव समाज में हमेशा क्या करती है प्रधानता दिलाती है अर्थात उसको ऊंचा रखने का कार्य। जो विद्यावान होगा, जो गुणी होगा, जिनके पास विद्या होगी वो निश्चित तरीके से क्या होगा उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या धन प्रदान करता है, विद्या सदैव लोगों के हृदय को पवित्र करती है प्रकाशित करती है, विद्या यश को बढ़ाती है, विद्या सम्मान को बढ़ाती है, विद्या पर व्यक्ति का समाज में विद्या पर व्यक्ति नहीं विद्या पर ऐसे नहीं ऐसे कह सकते हैं विद्या के द्वारा ही ना, विद्या ही है जो लोगों को समाज में क्या करती है सदैव प्रधानता अर्थात वह ऊंचे स्तर को दिलाती है, वो वहां पर उसको वरिष्ठ साबित करने में उसको मतलब जो ज्ञानी है उसका उसकी एक प्रधानता होती है। विद्या निहंती दोषम, विद्या निहंती भारम, दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम। विद्या निहंती दोषम ना, विद्या क्या करती है दोष नहीं होने देती है, दोष का नाश कर देती है अर्थात दोष नहीं उत्पन्न होने देती है। विद्या निहंती भारम, विद्या में कोई भार भी नहीं है, विद्या में दोष नहीं है, विद्या में भार नहीं है। दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम, सकलम मनोविकारम दूरी करोति कौन, विद्या। विद्या जो है वह मनुष्य के सभी मनोविकार को दूरी करती है, दूर करती है ना अर्थात उसको निकालती है। जितने भी मनोविकार दुष्प्रवृत्तियां होती हैं जो अंदर चल रही होती हैं उसको ज्ञान अगर आपके पास हो जाता है, विद्या हो जाता है, निश्चित तरीके से आप वो जो चुट्टई वाला चोरी लूट घसोट ये सब करते हैं सब खत्म। विद्यान राज हार्या, अविद्यान चोर हार्या, विद्या कदापि लोके नहीं बंधु विभाजा। विद्या न राज हार्या ना, यह विद्या जो है वह राजाओं के द्वारा हरण नहीं की जा सकती है और न ही चोर के द्वारा इसको चोरी या चोर के द्वारा हरण किया सकता है। विद्या कदापि लोके नहीं बंधु भी विभाज्या, विद्या कभी भी किसी भी लोक में इसको कोई भी भाई आपके वो इसको जो है विभाजित नहीं कर सकता, विभाजित नहीं कर। विद्या गुण प्रधान, विद्या धनम प्रधानम, देशे तथा विदेशे विद्यावलम प्रधानम। विद्या सभी गुणों में प्रधान है, विद्या गुण प्रधान, विद्या का गुण जो है वह सभी सभी गुणों में कहा जाए तो यह वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। विद्या धनम प्रधानम, विद्या का धन प्रधान है अर्थात सभी धनों में अगर सबसे अच्छा धन है तो विद्या धन है, सभी गुणों में अगर अच्छा गुण है तो विद्या का गुण है। इसीलिए कहता है कि देशे तथा विदेशे विद्यावलम प्रधानम, देश और विदेश में सभी जगहों पर क्या होता है विद्यावल की प्रधानता। चलिए ठीक है, तो कुछ लोग प्रयागराज में रह रहे हैं इसका मतलब ना, अरे मैं लोरी सुना रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, गुड इवनिंग जी नमस्ते मैम, मैं लोरी सुना रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है प्रयागराज के ही आसपास से हैं आप सभी लोग, कुछ लोग जो है लग रहा है पास में ही है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जानते हैं जब साहित्य पढ़ाई जाती है तभी तो मैं इसमें इसको जल्दी पढ़ा दिया, जो लोग वास्तव में संस्कृत की
क्लास किए होंगे उनको पता है कि एक एक श्लोक का कितना अन्वय, उसके शब्दार्थ, उसमें समास, उसमें अलंकार, उसमें छंद, वो सब सारी चीजों को डिस्कशन करना हो तो एक दिन के 40 मिनट के क्लास में 2 श्लोक से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। 2 श्लोक से ज्यादा पढ़ाई, 2 श्लोक से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। आप लोग देखे होंगे 40 मिनट तक बड़े मजे में, लेकिन हाँ फिर जब वो पढ़ लेता है कोई तो क्या मजा आता है, गायन वगैरह सब कुछ ना मजा आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या जाता है, देशे तथा विदेशे विद्यावलम, ये तो हालांकि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सीटेट में क्वेश्चन ये सब आए हैं, सीटेट का ये पैसेज रहा है, बहुत ही सरल है। पद्यांशे कस्याः महत्त्वम् कथितम् अस्ति। अच्छा ये ध्यान देना, हो सकता है कि आगे कुछ बातचीत चल रही है कि संस्कृत का पेपर यूपी टेट में भी हो सकता है कि आगे संस्कृत में ही छपे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग इससे भी जुड़े रहिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, आगरा से सभी लोग, अच्छा चलिए बढ़िया है, अच्छा बढ़िया, सभी लोग लाइक करें। तो चलिए आगे देखते हैं, करें पद्यांशे कस्याः महत्त्वम् कथितम् अस्ति। कुछ लोग होते हैं जो केवल क्वेश्चन और पोल, क्वेश्चन और पोल करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, ये हम जानते हैं। जो आप लोग हैं सब पढ़ रहे हैं, पढ़ने का वही मतलब है। पद्यांशे कस्याः, पद्यांश में किसकी महत्व बताई गई है, कही गई है, विद्यायाः दोषस्य बन्धूनां या प्रधानस्य, सभी हर लाइन विद्या विद्या आया है, तो विद्या का, किसका, विद्या का जो है महत्व बताया गया है कि विद्या कितना महत्वपूर्ण है। विद्या जनानाम किम विमलम करोति, इसका बताओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ दिन और ऐसा बीत जाएगा ना तो देश और विदेश में विद्या धन से कोई कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वह धन माना ही नहीं जाएगा, ठीक, उससे आप कार्य ही नहीं कर पाओगे। जब सभी कोई इसका हेल्प होगा तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। विद्या को जब तक धन की श्रेणी में भी माना जा रहा है ठीक है, कुछ दिन बाद पता चला जाए कि आज रात 12 बजे से किसी भी विद्या को धन नहीं माना जाएगा, तब क्या करोगे, तब सोचो क्या होगा। आगे देखते हैं, विद्या जना नाम किम विमलम करोति, विद्या सदा जना नाम विमलम करोति चित्तम, एक लाइन है, विद्या सदा जना नाम विमलम करोति चित्तम, तो चित्तम हो गया। आगे, अच्छा पहले जाते हैं लोग कैसे मिलाते थे, अगर इसको मिलाने के लिए देखा जाए तो विद्या जना नाम वाली लाइन देखते थे, देखते थे इसमें से कौन सा शब्दावली मिल रहा है। देखो यहाँ पे कहेंगे कैसे कि कहाँ है यहाँ, दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम, उसके ऊपर था, विद्या सदा जना नाम विमलम करोति चित्तम। तो पहले जब लोग पास होते थे, ये 2014-15 का था, आप उस समय के पैसे जैसे देखोगे कि यह जो क्वेश्चन है ना, केवल पैसेज में अगर मिला दोगे एक बार तो उसके उस लाइन में जो शब्दावली होगी वो शब्दावली इसमें से कोई एक ही मिलेगा। न तो उस लाइन में उदरम था, न तो उस लाइन में चित्तम था, न उस लाइन में कहीं करणी था, उस लाइन में चित्तम जरूर था, और इसलिए चित्तम क्या हो गया, सही हो गया। कुछ लोग पहले मिलाते थे इस तरीके से भी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नारायण श्री हरि, जी बिल्कुल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं, बंधुवी का न विभाज्य, तो पहले मिला मिला के लोग आंसर कर लेते थे, लेकिन अब मिला मिला करके लोग आंसर कर रहे होंगे तो अगर नहीं पाएंगे ना, अब मिला मिला करके नहीं चल पाएंगे। महादेव, महादेव, सभी लोग उत्तर करें, सभी लोग उत्तर करें। तो बंधुवी का न विभाज्य क्षेत्रम धनम विद्या या भवनम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्या। अगर यहाँ कोई मैथमेटिक्स, साइंस या फलान ढिकान लगाने लगे तो कहे चूंकि विद्या एक प्रकार की धन है इसलिए धन को भी नहीं किया जा सकता, तो बेटा साहित्य है। जब मैं साइंस से इसमें साहित्य में आ रहा था तो हमको समझ में आया बहुत सारी चीज, हम अपनी साइंस वाली दिमाग साइंस में लगाएंगे, जो साहित्य में सीखेंगे वह ज्ञान साहित्य में लगाएंगे। और ये संज्ञा भी ऐसी है, संज्ञा नाम है और बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, सी नाम की संज्ञा। तो ऐसी चीजें जो साइंस के वाले लोग हैं वो साइंस अपना अलग लगाएं, जो साहित्य वाले हैं वो साहित्य वाले अपना ज्ञान अलग लगाएं, वो साहित्य में साइंस ना घुसाएं। जैसे वही बताए ना कि विद्या रूपी धन, अभी अभी कई जगह हम एक्सप्लेनेशन करते बोलते हैं कि विद्या रूपी धन, तो अर्थात विद्या धन को माना जा रहा है। अब यहाँ पे आप कहें कि रूपक अलंकार बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, हम कहते हैं विद्या धन प्रधानम, विद्या का धन, विद्या धन ना। अब विद्या यहाँ पे कोई लड़की का नाम नहीं है, विद्या एक प्रकार की, एक तरीके से ज्ञान है वो कह सकते हो ना, ऐसा कुछ, तो उसका धन, तो अगर उसको धन मान लिया जाता तो धन भी हो जाए। लेकिन ये ध्यान देना, ऐसे अनर्गल तर्क नहीं करना चाहिए साहित्य के साथ में। साहित्य पढ़ो, साहित्यिक सोच रखो, साइंस पढ़ो, साइंस वाला सोच रखना,
यहाँ पर उल्टा सुल्टा तर्क लगा कर करके घुसड़ पुसड़ कर करके इधर उधर नहीं, कि अभी मैं बताने लगूंगा अगर कुछ दूसरा तो आप कहेंगे सर सृष्टि में आप जानते नहीं है, फिर भी कुछ बहुत सारी चीजों पे ऐसे अनावश्यक तर्क दे रहे हैं, जबकि तर्क मेरा बहुत बिल्कुल सही रहता है उस पर, लेकिन नहीं दूंगा। विद्या विद्या बंधु भी कारण विभाज्य, विद्या में विभाजित कर सकती है, ठीक। विद्या कैसे लोग बांटेंगे, अदूरम दूरम करोति इति भावस्य कृते कः प्रयोगः। यह जो अदूरम दूरम करोति है यह क्वेश्चन इससे समझ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन जो है मुझको जहां तक याद है कि यह क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है। अदूरम दूरम करोति इति भावस्य मतलब क्या है, जो दूर ना हो सके यह दूर करता हो, अर्थात दूरी करोति इससे संबंधित लिया गया। हालांकि इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप स्किप करें, अदूरम दूरम करोति इति भावस्य कृते कः प्रयोगः, माने अदूरम जो दूर नहीं है उसको दूर करो, अर्थात दूरी करने के अर्थ में यह वाली बात कही जा रही है। इनके डी वाले ऑप्शन तक आप जा पाओगे, लेकिन इसको यह सीधे सीधे लाइन इससे संबंधित स्टैंडर्ड मोड में हमको नहीं लगता है डिजाइन किया गया। फिलहाल अगर आप जानिए अदूरम दूरम करोति, जो दूर नहीं उसको दूर करो, जो दूर नहीं उसको दूर, अर्थात लोग पास की ही चीजों को दूर करते हैं, इसका मतलब इसका अर्थ निकल जाएगा कौन, सुदूरम करो तो मैंने बहुत दूर कर दो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, अदूर कर दो नहीं। अब लोग कहते हैं दूरम दूरम करोति, दूर दूर करो माने बिखेरने के अर्थ में हो जाता है ना, बिखरने के अर्थ दूर दूर करो बिखरने के अर्थ में जाता है, बट यहाँ लिखा है दूरी करो दूर करने के अर्थ में है, तो इसका आप दूरी के ही अर्थ में लीजिए। हालांकि यह लाइन जो है यह लाइन श्लोक में नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि इससे समय यह डिजाइन अलग कर दिया गया। कीर्ति में इति पद से विपरीत अर्थक न अस्ति, बताइएगा। हाँ डी इज राइट, अरे मान लीजिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अच्छा कितने लोग महादेव की नगरी से हैं ये बता दो हमको, बहुत सारे लोग, हमको लग रहा है कि हमारे आसपास से ही बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमको लग रहा है। थ्योरी क्लास चल रही है, थ्योरी क्लास चल रही है, वो ऐप पे लाइव होती है, ई लर्निंग विद दुर्गेश की जो लर्निंग ऐप है, उस लर्निंग ऐप पे आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे वहां से इंस्टॉल करोगे, उस पर वो क्लास लाइव जाती है, ठीक है, उस पर वो क्लास लाइव जाती है, तो आप उसके थ्रू वहां से जुड़ सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए नीचे चल रहे स्क्रॉलिंग नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो हमको लगता है कि जो लोग टेलीग्राम में जुड़ते हैं उनको लिंक फ्री वाली भी मिल जाती है, ऐसा लगता है हमको, क्योंकि हमारे पास जो लिंक आती है सर के द्वारा वो हम तो देख पाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हो सकता है कि मेरी आईडी पर वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिए हो सर, तो आप उसको देख सकते हैं। किसी की संस्कृत वीक नहीं है, बहुत वीक मत कहो, वीक हो सकती है, बहुत वीक नहीं, ठीक है। अम्बेडकर नगर की है, अच्छा अच्छा है अम्बेडकर नगर, ये अयोध्या वाला अम्बेडकर नगर, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कीर्ति में इति पदस्य विपरीत अर्थ कह नास्ति, कीर्ति अकीर्ति ही यश अपकीर्ति ही लोकापवाद, विपरीत अर्थक नहीं है, विपरीत अर्थक नहीं, विपरीत अर्थ वाला नहीं है, अर्थात क्या होगा, समानार्थी होगा। बताओ कीर्ति का समानार्थी क्या बनेगा, अकीर्ति ही यश अपकीर्ति ही लोकापवाद। संस्कृत के जो ऑप्शन बनते हैं उसमें कुछ ऐसी भी शब्दावलियां होती हैं जो उसके शब्दावलियों से ज्यादा मैच नहीं करती, मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे, जैसे यहाँ पे देख लिए अकीर्ति मान लेते हैं, अपकीर्ति मान लेते हैं, अब लोकापवाद है, लोगों के लोगों में अपवाद होना, वो तो कीर्ति अपकीर्ति से बहुत ज्यादा डिफर है, बहुत ज्यादा डिफर है अगर देखा है तो। फिलहाल यहाँ पर कीर्ति का जो समानार्थक होगा या एक ये विपरीतार्थक नहीं है, वो यश हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 का जो उत्तर आएगा वो भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिन लोगों को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है उनको शुरू से पढ़नी चाहिए, ठीक है। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जो है आप पाकिस्तान से हैं, हमको मालूम है आप यूपी से ही हैं, ठीक है, आप यूपी से ही हैं और मैं क्योटो से हूँ, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो बताना। विद्या बलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवति, विद्या बल कहाँ कहाँ प्रधान होता है, विद्या बल में कुत्र कुत्र प्रधानम भवति, कहाँ कहाँ प्रधान होता है। दूषिते भोजने देशे तथा विदेशे जलाशय मध्य या ज्वलिते अग्नौ, जलाशय के मध्य में या प्रज्वलित जो अग्नि होती है उसके मध्य में या दूषित भोजन में कहाँ होती है। अरे देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम, देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। आज मेरा मन किया कि आज मैं जो है गद्यांश पढ़ाऊंगा, श्लोक पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आज आगे गद्यांश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज मैं आगे गद्यांश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। 20 का मैंने रंग बता दिया क्या, 20 में उत्तर मैंने क्या बता दिया, 20 में मैंने उत्तर क्या बताया, थोड़ा देख ले दो क्या है 20। यशक
कृतिम इति पदस्य विपरीतार्थक नय अस्ति, विपरीतार्थक नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है, तब कैसे रंग बता दिए? आप थोड़ा सा देखिए, विपरीत अर्थक नहीं है इसका मतलब समानार्थी है, कृति मतलब यश से संबंधित है। यहां देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अरे अब कहां आप रंग बता दिए, एक बार थोड़ा सा फिर से चेक कर लो, मैं दोबारा भी बता दिया, आप थोड़ा उसको ध्यान दो, अगर तब भी अगर दिक्कत है तो आप उसका सही बता दो कि सर इसका यह नहीं यह होना चाहिए। नारायण, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, एक अच्छी आदत है, कभी भी किसी टीचर्स के अंदर कमी तुरंत मत निकाल दिया करो। हमारी मानना है अगर उनका आंसर आपके विचार से अगर डिफर हो भी रहा है तो एक बार नहीं पांच सात बार उसको पहले खुद चेक किया करो, एक एक लाइन पढ़ा करो, एक एक चीज चेक किया करो, तब जो है उसमें खुदिन्ना निकाला करो। हम लोगों को कभी किसी किताब में किसी क्वेश्चन के आंसर को काटना होता है तो हम कट से उठाते हैं खुरपी और पिलास जो है काट के इधर साइड नहीं कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चन को तीन बार चार बार छह बार उसको कम से कम अच्छे से चेक करता हूं, तभी उस पर जो है स्टार लगाता हूं या टिक करता हूं, तब जाकर के वहां अंडरलाइन करता हूं कि हाँ यहां पे इधर है। किसी अपने से श्रेष्ठ या अपने से जानकार व्यक्ति के बातों को तुरंत करते ही काट देना मतलब जानते अपने अंदर ईगो लाना, अपने अंदर मतलब आप उससे सीख नहीं पाएंगे, आपको बार बार समझ में आएगा गुरु जी वो गलती बता दिए, गुरु जी वो गलती बता दिए, आई बात समझ में, तो ये गलत होती है। अच्छा अच्छा, तो उससे बचने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप तुरंत गलती ना निकाला कीजिए, तुरंत पहले उसको मिलाया कीजिए, समझिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22 से 30, विकल्प मात्र उत्तरेभ्य समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, कह रहे हैं प्रश्न संख्या, बताने के आज थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है, नहीं तो इसको सटीक तरीके से बनाएंगे सही हो जाता। प्रश्न संख्या 22 से 30 तक सभी दिए गए विकल्पों में से समुचित उत्तर को चुन करके लिखो, यहाँ से पैसेज। अनादिकालात प्रचलन्त्याम अस्माकं परंपरायाम बहवः वैदिकाः ऋषयः अभवन्, महर्षिः वसिष्ठः महर्षिः विश्वामित्रः च वैदिककालीनौ ऋषयास्ताम् उचिते वयसि यथोचितं व्रतं पालयन्तौ तौ महान्तौ तपस्विनौ अभवताम् योगाद् गुरोः स्वाध्यायम् अधियानौ तौ ज्ञानिनौ संजातौ एवं तयोः उभयोः पार्श्वे तु ज्ञानस्य भण्डारैव आसीत् अनयोः महर्षिः विश्वामित्रः स्वभावेन क्रोधी आसीत् परन्तु उग्राणि तपांसि समाचरता तेन ब्रह्मर्षिषु स्थान प्राप्तम् प्रसिद्धं गायत्री मन्त्रं समाजाय प्रयच्छता तेन अचिरात् प्रसिद्धिः लब्धा जपतः जनान् अभीष्ट फलं प्रददति गायत्री लोके कामधेनु रूपेण प्रसिद्ध प्राप्तवती मुक्तिं कामयवान हि जनहि गायत्री मंत्रस्य शक्त्याः भास्वतः सूर्य देवात् सद्बुद्धिः प्रार्थ्यते महर्षिः वसिष्ठः सततं ब्रह्म उपासीनः महतीं सिद्धिं प्राप्तवान् वसिष्ठेन मृत्युं वशीकुर्वतः महामृत्युंजय मंत्रस्य रचना कृता एकदा सत्संग तपश्चरणयोः मध्ये कतरः श्रेष्ठः इति विषयः विवादः अभवत् वसिष्ठः सत्संगस्य पक्षे आसीत् विश्वामित्रस्य तु स्वतपस्याम् अभिमानः आसीत् परस्परं विवदमानयोः एतयोः विवादे असमाहिते च तौ क्षीरसागरे भगवतः शेषनागस्य सविधे निर्णयार्थम् अगच्छताम् शेषनागः द्वयोर्मध्ये सत्संगः एव श्रेयान् इत्युक्त्वा विवादस्य समाधानं कृतवान्। इसमें से कितने लोग हैं जो केवल पढ़ने से ही, जो केवल पढ़ने से ही समझ गए? अरे पंडित जी आप लोग हैं, आपको तुरंत कुछ बात कहोगे कष्ट तो होगा ही होगा, बुरा तो लगता ही लगता है, हमको मालूम है, एक डिसलाइक मारो जाओ, क्या 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 कर लोगे इससे ज्यादा, हमको मालूम है। कुछ लोगों के अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है, कह सकते हो कि उनकी उनकी एक, अब क्या बताएं, उनके मन की या उनके दिमाग में ऐसा सेट हो गया है कि सामने वाला हमको ऐसे क्यों कहा। तो हे पंडित जी आपको सादर प्रणाम, आपको आप हमसे नहीं सीख पाएंगे ना, मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि आप जब उत्सुक ही नहीं रहेंगे, आप अपने अंदर के विकारों को बाहर नहीं करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूं। आप इसके सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान जो है भीष्म जी नहीं थे, लेकिन जब पांडव लोगों को समझाना हुआ तब भगवान श्री कृष्ण जी सबको लेकर के भीष्म जी के पास जाते हैं और उस सैया पर लेटे हुए भीष्म जी से कहते हैं कि हे ताश्री आप इन लोगों को कुछ ज्ञान दे दीजिए।
वो कहते हैं केशव तुम्हारे रहते ही हम ज्ञान क्या दे दें, कहें यहाँ पे कुछ जरूरी है, क्योंकि एज ए फिजिकल अगर हम देखें तो दो भैया हमसे बड़े हैं, वो हम उनसे छोटे हैं, इसलिए हमारे ज्ञान उनके वो सुनेंगे नहीं, आप उनसे वरिष्ठ हैं, आप उनसे बड़े हैं, इसलिए आपकी बातों को वो ज्यादा धारण करेंगे। तो यह लक्षण होता है जब कभी कोई छोटा, या कभी ये कहो कि अब आपके अंदर से ऐसा लगता होगा कि अरे ये हमको सिखा रहा है, ऐसा लगता है तो आप लोग निश्चित तरीके से नहीं सीख पाओगे। और एक बात मैं बता दूं कि विद्या अर्जन तभी हो सकता है जब आप सीखने वालों के प्रति आपका श्रद्धा हो, आपका विश्वास हो, आप इसको ऐसा लगे कि हम इनसे सीखेंगे, हम उनका इनका अनुसरण कर सकते हैं, तभी कर पाओगे, अदरवाइज जिंदगी में कभी किसी को सीख नहीं पाओगे। ठीक है, वैसे आपको सादर प्रणाम। आगे देखते हैं, इधर देखते हैं, अनादिकालात प्रचलन्त्याम, अनादिकाल से प्रचलित है क्या अस्माकं परंपरायाम, हमारी परंपरा में, माने हमारी भारतीय परंपरा में, बहवः वैदिकाः ऋषयः अभवन, हमारे जो भारतीय परंपरा है उसमें बहुत सारे ऋषि हुए। हमारी वैदिक परंपरा में हम नहीं शब्द बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अस्माकं परंपरायाम, हमारी परंपरा में, अर्थात हमारी भारतीय परंपरा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है यहाँ में, इसमें बहुत सारे वैदिक ऋषि हुए। उन्हीं में कौन कौन हुए, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र च वैदिक कालीन ऋषि आस्ताम, कह रहे हैं उसमें महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दोनों वैदिक काल के ही ऋषि हुए थे। उचिते वयसि यथोचितं व्रतं पालयन्तौ तौ महायन्तौ तपस्विनौ अभवताम, उचित उपवास, ध्यान, पूजा पाठ, कर्म करने के बाद में, तप करने के बाद में वो लोग क्या हुए, क्या हुए, महान तपस्वी हुए ना, महान, आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि यह महर्षि का पद इनको प्राप्त हुआ, महर्षि, महान ऋषि ना, ऐसा हुए। कह रहे हैं कि युगाद गुरु स्व अध्याय अधियान अवतौ ज्ञानी नव संजात, योग्य गुरु के मिलने से और उचित अपने से जो स्व अध्याय है यथोचित अध्याय से करने से ज्ञान उनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ, एवं तयो उभये पार्श्वे तु ज्ञानस्य भंडार अति वर्षित, और वे दोनों लोग एक दूसरे क्या हुए, दोनों लोग जो हैं बहुत सारी ज्ञान के भंडार को मतलब ज्ञान का भंडारण किया, मतलब बहुत ज्ञानी हुए। अनयो महर्षि विश्वामित्र अनयो महर्षि विश्वामित्र स्वभावेन क्रोधी आशीष, में जो महर्षि विश्वामित्र थे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु उग्र तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मर्षि का स्थान प्राप्त किए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बनाने के लिए या उसके समाज आय प्रयच्छता तेन अचिरात प्रसिद्ध लब्ध्वा, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसको रच कर करके उसकी उत्पत्ति देख उसको उत्पन्न कर करके कह सकते हैं, उत्पन्न करना मतलब उसको शरीर से देह से नहीं उत्पन्न किए थे, मतलब रच करके उसका विधान करके उसको बना करके उसको सिद्ध कर दिए, उससे क्या हुआ कि पूरा लोग जानने लगे और वो प्रसिद्ध हो गए। जपतः जनानां अभिष्ट फलं प्रददति गायत्री लोके कामधेनु रूपेण प्रसिद्धवते प्रसिद्ध प्राप्तवती, तरह से कामधेनु रूप जो होता है ना, कामधेनु से जितना भी चाहे आप जो मांगे सब मिल सकता है, ठीक उसी तरीके से कह रहे हैं गायत्री मंत्र के से तप करने पर या उसका क्या कहते हैं उसका मंत्रोच्चार करने से उसका उस मंत्र के सहायता से कुछ भी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी धन संपदा भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत यश कृति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्तिम कामयमान जन ही गायत्री मंत्र से शक्त्या भास्वत सूर्य देवात सद्बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, मुक्ति की कामना के लिए लोग क्या करते हैं गायत्री मंत्र का क्या करते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र से पूजा कर कर करके किससे संबंधित है यह भास्वत सूर्य देवात सद्बुद्धि प्राप्त होते हैं, करें भगवान सूर्य से क्या करते हैं सद्बुद्धि को प्राप्त करते हैं, अर्थात तेज प्राप्त करते हैं। आपको याद होगा कि तेजो मही नहीं क्या था उसमें, तेजो मही देई वीरियम असी वीरियम मही देई बलम असी बलम मही देई, ऐसा था ना वो सब चीज। अच्छा ठीक है, आप लोग तक बतिया रहे हो, चलो बतियाना भी अपने आपने कर्म है, पढ़ो ना पढ़ो बतियाते रहो। तो क्या हुआ यहाँ पर अच्छा एक कवि पूछाता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य सवितुर्य वर्णनम, सविता शब्द से संबंधित है, इतिहास पूछा जाता है, या कहेंगे कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ध्यान देना ये चीज, ये सूर्य जी को समर्पित है, उससे क्या करते हैं सबुद्धि प्राप्त करते हैं। महर्षि वशिष्ठ सततम् ब्रह्म उपासीनः, करे महर्षि वशिष्ठ सतत ब्रह्म में उपासीन, महति सिद्धि प्राप्तमान ब्रह्म में लीन हुए थे, मतलब क्या कहते हैं उसको उनकी उपासना कर कर करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त किए, कौन वशिष्ठ जी, ध्यान देना वशिष्ठ जी किसके पुत्र थे, ध्यान दो वशिष्ठ जी किसके पुत्र थे,
ब्रह्मा जी के पुत्र ना, ब्रह्मा जी के अत्रि अंगिरा पराशर, उसमें जब आप काउंट करोगे नीचे आओगे तो उसमें वशिष्ठ जी मिलेंगे। वशिष्ठ न मृत्यु वशी कुर्वत महामृत्युंजय मंत्र से रचना कृता, वशिष्ठ जी के द्वारा मृत्यु को वश वश करने के लिए या वश करने के योग्य या वश करने लायक जो होता है ना कि या इसके पास नहीं पावर है कि मृत्यु को भी वश वश में कर सकता है, तो मृत्यु को वश करने वाले महामृत्युंजय मंत्र की जो है रचना की वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के द्वारा इसका रचना किया गया। एकदा एक बार सत्संग और तप, सत्संग तपश्चरणयोः माने यहाँ पे द्वंद अलंकार जगह, तो सत्संग तपश्चरणयोः मध्ये कतरः श्रेष्ठः इति विषय विभाग अभवत। करें सत्संग और तप के मध्य में बताइए कि कौन श्रेष्ठ है, इसके विषय में विवाद हो गया। ध्यान देना, वशिष्ठ जी जीत गए या विश्वामित्र जी, इससे कोई मतलब नहीं है। या ये बात है कि तप सही है, तप ज्यादा अच्छा होता है या सत्संग ज्यादा अच्छा होता है, माने कठिन तप प्राप्त कर करके किसी चीज को प्राप्त करना या सत्संग कर करके जीवन यापन करना, ये कुछ चीज को प्राप्त करना, वो सही है कि सही है, उसमें विवाद हो गया। तो वशिष्ठ सत्संग पक्ष आसित, करें सत्संग से पक्ष आसित, वशिष्ठ जी है सत्संग के पक्ष में थे। विश्वामित्र से तू स्व तपस्याम अभिमान, अब देखो अभिमान शब्द आ गया ना, निश्चित तरीके से हार जाएंगे, जहां अभिमान आया हार जाएंगे। विश्वामित्र जी तो अपने तप पर अभिमान करते थे कि तप के बल पे ही मैंने किया, रावण भी करते थे कि तप के बल पे मैंने इतनी शक्ति अर्जित की, तप के बल पे मैंने यह जो है अस्त्र शस्त्र अर्जित किया, तप के बल पे मैंने यह पूरी सारी चीजें, अरे बहुत सारी चीजें तप के बल पे की हो। भगवान शिव जी कह रहे थे कि आप हमको मुंह दिखाई में सारी पावर नहीं दिए थे, और हम मेहनत किए थे, हमने तप किया था, तब आप हमको ये पावर दिए थे, जो हमारे पास पावर है तो उसका मैं बिल्कुल प्रयोग करूंगा, उसका हमको घमंड तो होगा ही होगा, और होगा उसके बाद आप जो करना होगा कर लीजिएगा, ऐसा बात होता है। परस परम विवदमान यो हई तयो विवाद समाहिते च तौ क्षीर सागरे, तौ लिखा सह तौ ते द्विवचनांत में है। करे क्षीर सागर में भगवान शेष नाग के पास निर्णय के लिए आए, दोनों लोग इस विवाद को लेकर करके, चूंकि वह सही समझ नहीं पा रहे थे कि किसको माना जाए श्रेष्ठ, इसको लेकर के भगवान शेष नाग जी के पास में क्षीर सागर में आए। शेष नाग द्वार मध्यो सत्संग इव श्रीयान, शेष नाग जी क्या किए, दोनों के मध्य में सत्संग को ही श्रेष्ठ बताए, इत्युक्त्वा विवादस्य समाधानं कृतवान, ऐसा कह करके विवाद का समाधान किए, मतलब सत्संग वरिष्ठ है। सत्संग क्या है, वरिष्ठ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा पढ़ लो, कुछ इतना ज्यादा समय पढ़ने को नहीं मिलता है परीक्षा में, पढ़ने के लिए क्या होता है, धड़धड़ धड़धड़ लाइन पढ़ते जाओ और तुरंत उसकी बात समझते जाओ, ठीक। बाकर किसका नाम, बाकर, ठीक है। चलिए गद्यांश अस्माकं परंपरायाम इत्यस्य कः अर्थः, माने अस्माकं परंपरा से क्या, हमारी परंपरा से क्या मतलब है, क्या मतलब है? आप लोग बताइए, सामाजिक परंपरा, पाश्चात्य परंपरा, या वैदिक परंपरा, या भारतीय परंपरा? आप लोग को पता होगा कि हमारी परंपरा में, हम बता रहे हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में बहुत वैदिक ऋषि हुए, बहुवा वैदिक ऋषि अभवत, ऐसा था। तो भारतीय परंपरा से मतलब, कुछ लोग कहते हैं वैदिक परंपरा, गलत हो जाता है, वैदिक परंपरा सही नहीं हो, क्या जगह भारतीय परंपरा। ज्ञान से प्राप्त ही कश्य अपेक्षा भवती, ज्ञान की प्राप्ति आप किससे अपेक्षा करेंगे, योग्य गुरु या उपयुक्त वातावरण से पाठ पुस्तक पाठ्य सामग्री, किससे आप ज्ञान की प्राप्ति किससे अनुभव करेंगे। बहुत सही, भारतीय परंपरा, आप एक दो लोग ऐसा बता रहे हैं और सभी लोग नारायण बज रहे हैं। एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अपशाना, योग्य गुरु अगर हमारे साथ, योग गुरु से हम अपेक्षा करते हैं कि हाँ यह ज्ञान दे सकते हैं हमको, जब गुरु जी योग्य न रहे तो कैसे कर सकते। विश्वामित्रेण महर्षेय पदम कथम लब्धम, विश्वामित्र को जो महर्षि का पद प्राप्त हुआ है वह किससे प्राप्त हुआ, गायत्री मंत्र बले ना, या उग्रेण क्रोधे ना, या उग्रेण तपसा, या उग्रेण महाबले ना। इसके लिए आप ये पैसेज देख लीजिए, मैं आगे सारा स्लाइड जितने बनाया हूँ सबके साथ में पैसेज बनाया हूँ, अभी कुछ चीजें छूट गई है तो इसमें देख लीजिए आप। विश्वामित्र मिल गया होगा, आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, आगे देखते हैं। करें विश्वामित्र न महर्षेय पदम कथम लब्धम, कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र, इससे थोड़ी होता, उग्रेण तपसा,
उग्र तपस्या के फलस्वरूप। यहाँ पे देखिए एक लाइन, यहाँ पे देखिए कहा लिखा था, प्रसिद्धम गायत्री मंत्रम समाजाय प्रचत्तापेन अजिरात लब्ध। यहाँ पे लिखा होगा, हाँ यहाँ पे, महर्षि विश्वामित्र स्वभावेन क्रोधी आसीत परंतु उग्राणि तपांसि समाचरता तेन ब्रह्मर्षि सुस्थानम प्राप्तम। परंतु उग्र तपस्या से वह क्या हुए, ब्रह्मर्षि का स्थान प्राप्त किया ना, ऐसा लाइन यहाँ पे दिया गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो उनका उनका जो है उच्चारण भी शुद्ध नहीं होता है, ऐसे लोग कैसे संस्कृत पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। शुद्ध उच्चारण तो करिए। विश्वामित्रस्य प्रसिद्धेह किम कारणम आसीत, विश्वामित्र की प्रसिद्धि का क्या कारण था, गायत्री मंत्र का जपनम या क्रोध युक्त स्वभाव या ग्राण तपांसि या फिर गायत्री मंत्र से उपायनम, क्या प्रसिद्धि क्या कारण था। प्रसिद्धि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र का उपाय माने उसको रचे थे, उसको बनाए थे। गायत्री मंत्र के जपने से फेमस नहीं हुए थे, क्रोध युक्त स्वभाव से नहीं, उग्र तपस्या से नहीं। उग्र तपस्या के फलस्वरूप वो महर्षि जरूर बन गए थे, लेकिन जब गायत्री मंत्र का उपायन किए, जब गायत्री मंत्र को अस्तित्व में लाए, जब गायत्री मंत्र को दिए, तब क्या हुआ, वो प्रसिद्ध हो गए। सोचो, तपांस समाचरता विश्वामित्रेण किम प्राप्तम। अब करे तप के फलस्वरूप विश्वामित्र को क्या प्राप्त हुआ, गोधूमम धनम वस्त्रम या फिर ब्रह्मर्षिषु स्थानम, क्या प्राप्त हुआ। सर्व क्वेश्चन आते हैं, अगर एक बार ध्यान से अगर आप पढ़ लिए सही तरीके से पैसेज, फिर कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जी गुरु जी, जी बच्चा जी, जी श्रीमान जी, जी श्रीमान जी। आगे चलते, आगे देखते हैं क्या होता है। ब्रह्मर्षिषु स्थानम, क्या किए, तप के बाद में उनको ब्रह्मर्षि का। अब देखो वशिष्ठ से संबंध आ गए, वशिष्ठ ने कस्य रचना कृता, वशिष्ठ जी के द्वारा किसकी रचना की गई, कामधेनु मंत्रस्य गायत्री मंत्रस्य महामृत्युंजय मंत्रस्य सूर्योपासना मंत्रस्य। बताओ बताओ, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री मन्नारायण नारायण नारायण, श्री मन्नारायण नारायण नारायण। वशिष्ठ ने कस्य रचना कृता, महामृत्युंजय मंत्रस्य रचना कृता, वशिष्ठ जी के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र की रचना की गई। आगे देखते हैं, विवादस्य विषयः कः आसीत, विवाद का विषय क्या था, सूर्य निकाशयोः कतरः श्रेष्ठः, विश्वामित्र वशिष्ठयोः कतरः श्रेष्ठः, गायत्री सूर्ययोः कतरः श्रेष्ठः, सत्संग तपश्चरणयोः कतरः श्रेष्ठः। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जिनके माता पिताजी भी साथ में यह क्लास सुन रहे हैं या दूर बैठी हुई सुन रही होंगी, और फिर वही आप लोग कहेंगे गुरुजी जो है कथा बड़ा अच्छा गाते हैं। अभी मेरी जो है भागवत पुराण की जो है कथा लाइव होगी अगले कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद में, मैं बिल्कुल कथा सुनाऊंगा, आप लोग पहले नौकरी पा लीजिएगा फिर कथा भी सुनाएंगे, क्योंकि उसके बाद कथावाचक तो हम ही लोग रहेंगे। तो मैं जो है मूल संस्कृत के साथ में जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन और उसकी व्याख्या को जरूर जो होगा हो पाएगा मुझसे मैं जरूर करूंगा आगे के दिनों में, महाभारत की रामायण की या फिर ये कहो कि सीधे सीधे भागवत कथा का पूरा पूरा कथा वाचन हमारे द्वारा किया जाएगा, उसकी लाइव टेलीकास्ट यहीं से होगी चैनल के द्वारा ही होगा। विवादस्य विषयः कः आसीत, तो सत्संग तपश्चरणयोः कतरः श्रेष्ठः, सत्संग और तप के बीच में कौन श्रेष्ठ है, उसके लिए गए थे, वहां लड़ाई नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि बी वाला, वो विश्वामित्र वशिष्ठ हम और आप लोगों की चुतर चुतिया नहीं थे, हम और आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं थे जो अपने में लड़ जाएंगे ना, उनका मूल मुद्दा था कि इसमें से कौन सा बेहतर है ना, कौन सा बेहतर है, बच्चे को गवा गवा कर पढ़ाना या बच्चे को लिखवा लिखवा करके पढ़ाना, कौन बेस्ट रहेगा इसका, चलो लिख। बोलो बाबा 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 सा 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 डा 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 डा
निरंतरम प्रथमतया स्वया अधुना। तो प्रश्न संख्या 29 आंसर आएगा निरंतरम। क्या आएगा? निरंतरम। सततम पदस्य पर्याय अस्ति। सततम मतलब लगातार, लगातार निरंतरम। स्व माने क्या होता है, कोई कमेंट बताए। यह और स्व, अधुना संप्रति। विवादस्य समाधाने कः श्रेयान्। विवादान, विवाद के समाधान में कौन श्रेष्ठ होंगे, कौन श्रेष्ठ बताए गए, यह आप बताइए। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण। अच्छा अच्छा उनको, उनकी आत्मा को सादर प्रणाम। श्री नारायण शांति मिले। हरिओम 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 हरिओम। सत्संग श्रेष्ठ हुआ, तो इसीलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि आप लोग भी सत्संग किया कीजिए, सत्संगति से। असठ सुधराही सत्संगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई। सठ सुधराही सत्संगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई। बोलो श्री राम जय राम। आप लोग को कुछ पूछना है, आप लोग जरूर पूछें। आज मैं यह पैसेज आप लोगों को करवा दिया हूँ, पैसेज ही आज करवाऊंगा, आज और क्वेश्चन ग्रामर वाले नहीं करवाएंगे, पर्याप्त समय हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आगे एक अब जो है कविता सुनाऊंगा आप लोगों को, और आप लोग कविता सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आगे मैं एक कविता सुनाऊंगा अगर आप लोग कहें तो, कविता के लिए जरूर कह दो, जुड़ा सुना दे। अब क्लास खत्म हो गई तो 50-55 लोग सब लाइव ना। चलो तो कविता सुनना है जिसको, वो लोग जरूर बताएं कि हाँ सर कविता सुना दीजिए, मैं अवश्य ही जो है कविता सुना दूं। बोलो कविता सुना दे, एक कविता सुना दे सभी लोगों को। संस्कृत में अवश्य इंटरेस्ट बढ़ेगा जब कभी साहित्य की धीरे क्लासेस। आज तो थोड़ा जल्दी में पढ़ाए हैं क्योंकि भाई गद्य पद्य बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं। आगे से ध्यान सुनिएगा, एक कविता मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले रुक जाओ मैं अपना कैमरा जो है ऑन कर दूँ, क्योंकि उधर से लटके थे, अब कैमरा ऑन कर दिए। फोटो थोड़ा देखे, अगर कोई सादा पेज होता तो, कोई सादा पेज ही नहीं है, से सादा पेज बना दे एक ठो, तब मैं जो है कविता सुनाऊँ आप लोगों। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। ध्यान सुनिए, कविता बहुत अच्छा है, और हम कविता वही सुनाते हैं जो जो आप लोग बिसरते हुए आ रहे हो, छोड़ते हुए आ रहे हो। थोड़ा पीछे की चलो, सोचो समझो बहुत अच्छे से, ये सब सारे लाइनों को, हर एक लाइनों पे आप लोग जाना और समझना उसको। नयन का नयन से नमन हो रहा है, नयन का नयन से नमन हो रहा है, लो उषा का अब आगमन हो रहा है। नयन का नयन से नमन हो रहा है, नयन का नयन से नमन हो रहा है। परत दर परत चांदनी कट रही है, कभी तो निशा का गमन हो रहा है। नयन का नयन से नमन हो रहा है, क्षितिज पर अभी भी है अलसाए सपने,
कि पलक खोल कर भी शयन हो रहा है, पलक खोल कर भी शयन हो रहा है। झरोखों से प्राची की पहली किरण का, झरोखों से प्राची की पहली किरण का, लहर से प्रथम आचमन हो रहा है। लोषा का अब या गमन हो रहा है। कई दिन हो गया गैस, इसलिए सही बैठ नहीं रहा है। अभी आगे फिर से गाते हैं, हर लाइन पे कुछ ना कुछ टोन बनता है, ध्यान सुनिए। कि है नहला रही हर कली को तुषारे, है नहला रही हर कली को तुषार। तुषार माने आप समझिएगा, हर जगहों पे यहाँ पर सभी जो उचित शब्दावलियां हैं जिससे आप पूछ सकते हैं कि इसका विलोम क्या है, इसका समानार्थी क्या है, इसका अर्थ क्या, ये सारी चीजों के मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो है नल है नहला रही हर कली को तुषारे, कि लगन पूर्व कितना जतन हो रहा है, लगन पूर्व कितना जतन हो रहा है। वही साख पर पक्षियों का है कलरव, वही साख पर पक्षियों का है कलरव, कि प्रभाती सले किन सहन हो रहा है, प्रभाती सले किन सहन हो रहा है। प्रकृति का कितना बेहतरीन वर्णन किया गया है, वो हर सब कंडीशन से कवि लिख रहे हैं, करें हैं। कि बढ़ी जा रही जिस तरह से अरुणी माँ, बढ़ी जा रही जिस तरह से अरुणिमा। अरुणिमा सूर्य की उन किरणों में, तीन किरणों में, तीन तरीके के रंगों में एक रंग है जो बिल्कुल लाल रंग की, और लाल रंग वाली होती है, श्वेत रंग वाली नहीं, लाल रंग वाली है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसी एक श्लोक में या कभी मैं कोई पैसेज पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, उसके बारे में वर्णन करूंगा, बड़े अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। कि बढ़ी जा रही जिस तरह से अरुणी माँ, क्या है लगता कहीं पर हवन हो रहा है, लगता कहीं पर हवन हो रहा है। मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है, मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है। कैसा कि नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है, नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है। और ये आजकल का हटा सावन की घटा, हटा छटा झट नहीं, कौन एक गाना है बहुत अच्छा आ जाए, वो तुकबंदी ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता ना। आटा पटा छटा गटा ठपा, वही बात है कि मैं तो लाया पापड़, मम्मी मारी झापड़, ये सब कोई गाना बनता है ना, ना? कविता कविता तरह गाओ। कि नयन का नयन से नमन हो रहा है, नयन का नयन से फिर नमन हो रहा है। आपको पता है क्या कहते हैं कि नजर को नजर से ना देखो, नहीं तो नजर को नजर से नजर लग जाएगी, और अगर नजर को नजर से नजर लग गई तो नजर को ही नजर नहीं, नजर को ही नजर नजर नहीं आएगी। सोचो ऐसी भी कोई शब्द, ऐसी भी कोई लाइन है। बिल्कुल साहित्य पढ़ने का ही मतलब होता है कि आप पूर्ण रूप से देखिए, साइंस में पढ़ाता निश्चित तरीके से ये सब मैं कहता है सब आडंबर है या ये सब पता नहीं क्या होता होगा नहीं होता, लेकिन वास्तव में साइंस में मैं तो साइंस भी पढ़ा हूँ, मैं तो सब कुछ पढ़ा हूँ, मैं तो साहित्य भी इधर पढ़ा, लेकिन मैं मुझको साइंस में वो मजा नहीं मिला,
वो मशीनी दुनिया यार, पूरा पूरा वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं वो लोग। यहाँ जो जो मजा साहित्य में है वो हमको लगता है साहित्य सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ानी चाहिए, बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छी होती है। तो साहित्य सभी लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, मजा आया। कुछ और बता रहे थे, भूल गए फिलहाल। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और बीच बीच में जो है हम कभी कभी जो है साहित्य की कुछ लाइनें सुनाता रहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग केवल मशीनी दुनिया में न चले जाएं, आप लोग साहित्य से जुड़े रहें, आप लोग साहित्य से जुड़े रहें। इसलिए मैं बीच बीच में गाता भी रहता हूँ, बीच बीच में साहित्य की बातें गाता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, और जब कोई विशेष कक्षा चलने लगती है, इससे बड़ी कक्षा होती है ऑफलाइन वगैरह, तो कथाएं भी कहनी पड़ती हैं। ठीक है, कथा भी कहना चाहिए, कथा भी सुनाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया होता है। चलिए फिर आज का किसी कुछ और कुछ पूछना है तो बता दो, कुछ और पूछना किसी को कुछ बता दो। हाँ, नजर वाला, नजर वाला ऐसा ना। अच्छा, मेरे लाइफ में एक ऐसा श्लोक आया है, मेरे लाइफ में एक ऐसा श्लोक आया कि अगर आप लोग उस श्लोक को सुनोगे तो कहोगे केवल दर वाले शब्द से। जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उनको शायद वो पूरा श्लोक याद होगा, तो जो लोग जिन लोगों को याद होगा वो बताएं, वो द वाले शब्द से, केवल द। एक और कविता, अच्छा, एक 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 श्लोक है हमारे पास में जिसको हमने देखा और मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। उस श्लोक में केवल और केवल एक वर्ण है, और उसी एक वर्ण से पूरे के पूरे श्लोक लिखे गए हैं। क्या है श्लोक, ध्यान से सुनना, मैं सुना रहा हूँ, मुझको याद नहीं अभी। दाद दो दूधी दादा दो दूधी ददो दुदादम दादे दूधे ददा ददो दद। इसको कभी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, दकार माने केवल द वर्ण को लगा कर करके इतना बेहतरीन एक श्लोक लिखा जाना, गजब है। माघ की रचना है, साथ माघ जी लिखे हैं इसको। क्या लिखे हो, ध्यान सुनना, क्या है कि दादा दो दूध दूधी दादा दो दूधी ददो दो दादम दादे दूधे ददा ददा दो दद। बड़ा प्रैक्टिस किया तब जाकर के बोल पा, हम बोल नहीं पाते थे। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए। रही बात आप लोग कुछ और कविता सुनेंगे, ये बताओ कविता सुनोगे या कुछ साइंस में कविता सुनोगे, या फिर कुछ गणित की कविता सुनोगे, या फिर कुछ आप जो है भजन वाली कविता, भजन सुनोगे, या फिर कुछ कुछ और सुनोगे, उसकी टाइप बता दो, या कुछ फिल्मी वाले लाइन सुनोगे ये बता दो, तब बताते हैं। नहीं, आ नहीं है, क्या सुनोगे बताओ तो हम बताएं, अदरवाइज मैं एक एक दिन मैं सुनाया था, बताते कभी और सुना देंगे, लेकिन अभी बताओ क्या सुनोगे, तभी मैं सुना दूं उसी जैसा सुना दूं। भजन सुना दें, भजन सुना दें, वो सब नीचे वाले मैसेज पे कर करके ग्रुप से जुड़ जाना, टेलीग्राम से सब मिल जाएगा। ठीक है। चलो अच्छा, एक मैं आज फिल्मी गाना सुनाऊंगा, उसके बाद भजन सुना दूंगा, सब कहेंगे। ठीक है, एक पहले फिल्मी गाना सुन लीजिए आप लोग। ये जो टावर हाउस मूवी है, साहित्य में हो कविता मगर भोजपुरी लय में, भोजपुरी लय में कैसे, जैसे अभी हम सुनाए हैं कि संधि पढ़ ल समास पढ़ ल और कारक पढ़ ले कि नहीं। ऐसा वाला नहीं सुना है। ठीक है, कि संधि पढ़ ल समास पढ़ ल और कारक पढ़ ल कि नहीं, बताओ तुम का का पढ़ ल। और बीच में इधर मिक्सर लगाए होते तो लगाते उसके साथ में बसता। चलो मूवी मूवी अलग गाना सुन, ठीक है, फिल्म का गाना है उसको सुन लेते हैं। हाँ, ध्यान सुनिए, टावर हाउस मूवी का एक पिक्चर है, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन मूवी था। उसमें एक लाइन है, बड़े अच्छा है, ठीक है। आगे देखना, ये मेरे दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐ मेरे दिले नादान तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा
अफसाना ए मेरे दिले नादान, तू गम से ना घबराना। अभी आसान नहीं, ठीक है, अभी पहले अच्छे से बैलेंस, घबरा जाएगा तो नहीं गा पाएंगे, क्योंकि ये शांत रस में है, एक तरीके से शांत में चल रहा है, वहां पे आप उछलाओगे तो नहीं पाएगा। कि अरमान भरे दिल में जख्मों को जगह दे दो, अब भड़के हुए सोलों को कुछ तो हवा दे दो, बनती है तो बन जाने दे ऐ जिंदगी अफसाना, ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, फरियाद से क्या हासिल रोने से नतीजा क्या, फरियाद से क्या हासिल रोने से नतीजा क्या, बेकार है बातें इन बातों से रोना क्या, अपनी बिगड़ी बन बे बन जाता है बेगाना, ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना, और एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना। बड़ा अच्छा हमको लगता है, कभी कभी लगता है कि जो लोग परेशान होते हैं, टेंशन ना लो यार, एक समय आएगा जब आपका भी समय आएगा, निश्चित तरीके से टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है, एक समय आएगा जब सभी लोग कहेंगे यार फलनवा पढ़ता था, फलनवा मेहनती जरूर था, फलनवा सही किया था यार उस समय, ठीक है, तो होता है। चलिए ठीक है, तो आज आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना भी, और हमको लग रहा है कि ये संगीत सुनने के लिए ज्यादा लोग हैं। अच्छा ठीक है, वो भी सुन लो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, यही वाला ना, चलो सुना देते हैं। अच्छा एक यही लास्ट सुनाएंगे बस, उसके बाद फिर नहीं सुनाएंगे। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, धन नहीं, धन नहीं देखना है, बहुत हम देखे हैं धन वाले, बहुत लोगों ध्यान सबका ध्यान पे रहता है ना, धन नहीं मन, कि जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर के मेरी रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम
मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन तेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तू आ जाओ जीवन में, सांसे देकर अपनी, सांसे देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी मेरी प्रीत अमर कर दो, मेरी प्रीत अमर कर दो। तो बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप लोग इतना ज्यादा गाओगे तो पता चला कि कहोगे सर गुरु जी जो है आप गजरा जो है चला रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि सभी लोग बड़े मस्ती में सुन रहे हैं, कभी इसके लिए केवल गायन के लिए अलग से रखेंगे, ख्वाब आ गए ऐसा कोई बात नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद सभी लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद। फिलहाल कभी इसके लिए अलग से मीटिंग रखेंगे, खूब गाना गाया जाएगा, आप लोग भी गाएंगे तब सुनाएंगे, ऐसा केवल हम ही से मत गाओ, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आज अब कोई भी कुछ भी लाइन नहीं, कुछ भी नहीं है बात बस। अरे सर भी है क्या भाई, कोई है साथ प्रोग्राम लगा है, चलिए ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। आप सभी लोग जो भी लोग लाइक कर, अच्छा आज जो है लाइक करने वाली संख्या बढ़ गई है थोड़ी, चलिए बहुत अच्छा, माने गाते हैं तो लाइक ज्यादा आता है, अच्छी बात है, ठीक है, नमस्कार।